आज शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे पवई बस स्टैंड में, रहा मेले जैसा माहौल। कोरोना महामारी एवं कोरोना कर्फ्यू के कारण सैकड़ों प्रवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में महानगरों से अपने घर वापस लौट रहे हैं। रोज ही बस स्टैंड में कटनी से बसों द्वारा परिवार सहित प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। आज शुक्रवार को भी लगभग 200 प्रवासी मजदूर लौटे हैं। बाहर से आने वाले प्रवासी बगैर स्वास्थ्य परीक्षण के अपने अपने गांव चले जाएंगे, जिससे गांव में संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। पवई में प्रवासियों के लिए ना तो खाने पीने की व्यवस्था कहीं से हो रही है, साथ ही कोरोना कर्फ्यू होने से वह अपने पैसे से भी कुछ खरीदना भी चाहे तो उन्हें नहीं मिल रहा है। इस वर्ष ना तो प्रशासन ना ही समाज सेवी संस्थाओं द्वारा अभी तक ऐसे लोगों के लिए किसी तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जिससे परेशान प्रवासियों को किसी तरह अपने गांव पहुंचने की चिंता रहती है। कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने पवई पुलिस मुस्तैद, बिना मास्क को अक्षमता से अधिक सवारी लेकर निकल रहे वाहनों के काटे जा रहे चालान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पन्ना द्वारा आगामी 7 मई तक का संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। साथ ही जिले में शादी समारोह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान जारी है। पवई एसटीओपी रक्षपाल सिंह यादव के निर्देश, थाना प्रभारी एसपी शुक्ला के मार्गदर्शन में एसआई अंजलि सिंह राजपूत द्वारा 5 वाहनों के चालान काटे गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस द्वारा नगर में पेट्रोलिंग कार्य जारी है।